मोदी का ट्वीट भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे चरण के लिए मतदाताओं से मतदान की अपील की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इन सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे, जिसमें युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आइए अपने कर्तव्य को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। ये एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल अमनदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से अपील कर ली है, लेकिन अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें सीएम योगी प्रदेशवासियों से आज जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहा है उसके लिए भर भर के वोट करने की अपील कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए मतदान जरूर करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी लोगों से वोट करने की लगातार अपील कर रहे हैं। और देखिए, आज 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आज चौथा चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा व सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट निर्णायक है, याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चौथे चरण के मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश भर के मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। चौथे चरण के सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदार बनकर समाज के हर वर्ग को सशक्त करने के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई मजबूती प्रदान करने वाली सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान करें। आपको पहले हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखाया, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अमित शाह का पोस्ट, जहां वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रही हैं। मायावती ने कहा है कि देश में लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव के आज चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लगातार जारी रखना है। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी में ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मैलानी के बूथ नंबर 6 की संख्या पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। ईवीएम खराब होने से मतदान यहां पर रुका हुआ है। सुबह तड़के अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लखीमपुर खीरी में भी लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन देखिए कुछ गड़बड़ी आ गई है। ईवीएम में खराबी की जानकारी मिल रही है, जिसको दुरुस्त करने की तैयारी भी पूरी कर रखी है वहां प्रशासन की तरफ से। दुरुस्त जैसे ही कर ली जाएगी मतदान फिर से शुरू होगा, लेकिन ईवीएम खराब होने की जानकारी सबसे पहली लखीमपुर खीरी से आई है। बूथ संख्या 6 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन तो लेंगे, मतदान के ऊपर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले उन्नाव चलेंगे, जहां से हमारे साथ अनुज इस समय मौजूद है। अनुज, देखिए उन्नाव का चुनाव तो यहां पर साक्षी महाराज के लिए हैट्रिक का चुनाव है, जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल और कैसा आपको आज मतदान करते हुए उत्सव में लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय में खड़े हुए, जहां पर वोटर्स की लंबी लाइन में तस्वीर जा सकता है। जहां तक निगाह जाएगी वहां पर वोटर्स है, हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स मौजूद है। किस मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? तो बिल्कुल, लोग अपने अपने मुद्दों के साथ में घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। आप बने रहिएगा, अब खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। अशोक यादव के पास में चलते हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, 13 सीटों पर वोट कास्ट हो रहा है, कितनी उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी को? केजरीवाल जेल में जाने के बाद आ गए, मोदी ने काम करना बंद कर दिया है। मोदी हमारे प्रधानमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी मुख्यमंत्री।
किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? चुनाव सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास तो सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्र का, इस देश के लिए चुनाव हो रहा है। और आशीर्वाद हमें रामलला का जो 500 साल का झगड़ा चल हुआ है सारे देश में यही गाना चल रहा है, इस मुद्दे को मुद्दा लोग विपक्षी लोग हमें दे देते हैं, हम मुद्दे बनाते नहीं। जिन लोगों ने राम भक्तों की छातियों को गोलियों से छलनी किया था, जिन्होंने कहा था अयोध्या में वृंदावन नहीं मार सकता, जिन्होंने ये कहा था और भी आवश्यकता होती तो हम राम भक्तों को मारते, उन्हीं का आदि उसी पार्टी का व्यक्ति आज ये कहता है कि राम मंदिर बेकार है। अगर हिम्मत है, माँ का दूध पिया है तो मस्जिद को बेकार कह के देखो, चर्च को बेकार कह के देखो, अब बहुत संख्यक हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और इस चुनाव में इसका सटीक जवाब हिंदुस्तान की मोदी ने कह दिया 400 पार होगा। बिल्कुल खमान होती है, बारी स्थिति व्यवस्था की हो रही है, ओबीसी चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, अखिलेश चुनाव हार रहे हैं, जीत हो रहा है, सब चुनाव हार रहे हैं। केजरीवाल से बाहर आने के बाद हमलावर हो रहे हैं भाजपा पर, क्या कहेंगे? जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है तो केजरीवाल थोड़े तड़प रहे, उनको पता है एक दिन को फिर उनको जेल ले जाना है। ये तो हमारे साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर जनता अपना वोट कास्ट कर रही है। अनुज गुप्ता, चलिए इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक यादव जी, 13 सीटों में से कितनी उम्मीदें ये तो आप बताइएगा। साक्षी महाराज का बयान सामने आया, मुझे लगता है आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि विपक्ष तो हमें बैठे बिठाए मुद्दा दे देता है, इस बार अखिलेश यादव भी हार रहे हैं और बीजेपी 400 पार, क्या कहेंगे? देखिए, साक्षी महाराज हो चाहे माननीय मोदी जी हों, लगातार जो अपने अंदर के डर को कम करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। आज जो 13 सीटों पे जो दहाई में आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, इकाई में सिमटने जा रहा है, मैं इस बात की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, दहाई से इकाई में आंकड़ा शिफ्ट होने जा रहा है, क्योंकि वहां जो विभूतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रही हैं, आप देखिए उन विभूतियों में किसका किसका नाम है, अजय मिश्र टेनी जो कि किसानों के ऊपर थार चढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, वो उनका बेटा, किसानों को गाली देने के लिए जाने जाते हैं, पत्रकारों को पीटने के लिए जाने जाते हैं, वही अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, और दूसरा जो है सुब्रत पाठक जी, तो अशोक जी वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है, अब ये तो समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से ही स्टेटमेंट दिया गया था, आप लोग बैठे बिठाए मुद्दा दे देते हैं सत्ता पक्ष को। राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर सबसे पहले सवाल अगर किसी ने खड़ा किया तो इस हिंदू धर्म के जो सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु शंकराचार्य लोगों ने सवाल किया, हमारे विपक्ष के लोगों ने सवाल नहीं खड़े किए हैं, वो जो सवाल शंकराचार्य जी ने खड़ा किया था, तमाम सवाल खड़े किए थे, उसमें से एक सवाल की बात आप कर रही हैं, वो सवाल उन्होंने शंकराचार्य भी तो उठाए थे, ये विधि सम्मत नहीं है, ये धर्म सम्मत नहीं है, तो आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रही हैं? दूसरी बात जो साक्षी महाराज जी कर रहे हैं हिंदू जाग गया, ये देखिए इनके बहुत पुराना मामला, देखिए डार्विन ने कहा था कि समय के साथ साथ जो बदलता नहीं अपने आप को खत्म हो जाता है। चलिए आप राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, लेकिन राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जहां पर लोगों की आस्था जरूर आहत होती है, आप मेरी ये बात तो मानते होंगे। अब ऐसे में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, एक तरफ आप लोगों को अपने पक्ष में लाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका कोई नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे देता है जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो सर नुकसान तो फिर आप ही की पार्टी को होगा ना। लोगों को आस्था की ठेस वास्तव में पहुंचती है जब राम मंदिर के नाम पर जमीनों की दलाली भारतीय जनता पार्टी नेता करते हैं वहां पे, जब राम मंदिर के नाम पे वहां पे ठेकेदारों को 20 करोड़ रुपए का अंडी बेनिफिट अंडी पेमेंट दिया जाता है, आप राम नाम जपना देश का धन अपना, ये कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया इस देश में। लेकिन अशोक जी, राम मंदिर को राम गोपाल यादव का बेकार बता देना ये भी अपने आप में एक बहुत गलत स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, बोलने का भी तरीका है, अगर उनको उसके ढांचे पर वास्तु पे ही बात करनी थी तो किसी और तरीके से भी किन्हीं और शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। राम भक्तों की भावना इस बात से जरूर आहत हुई है। मैं आपके पास आऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सौरभ मालवीय जी भी हैं, उनसे जल्दी से आज के मतदान के ऊपर रिएक्शन लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये वो 13 सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया था विपक्ष का पिछली बार, इस बार आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या कमल खिलने ही जा रहा है या फिर चुनौती यहां पर टक्कर की देखी जाएगी विपक्ष की तरफ से? देखिए, चौथे चरण के इस चुनाव से साफ पूरी तरह से चित्र साफ हो जाएगा चुनाव का रुख किधर जा रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में 13 सीटें, पिछली बार यानी 2019 में 59% के मतदान हुए थे, और यदि इस बार यह रिपीट होता है
हम लगभग मतदान का प्रतिशत इसी के आसपास रहता है, तो निश्चित तौर पर यह रिपीट हो सकता है, उस दिशा में बात मानी जाएगी। यदि ये रिपीट नहीं होता है तो खास करके उन लोगों के लिए, यानी कन्नौज एक ऐसी सीट है, आप अजय सिंह टेनी जी की जो सीट है, साक्षी महाराज की जो सीट है, जो जीते हुए लोग हैं, हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इन सभी के सामने एक बड़ी कठोर चुनौती दिख रही है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह विपक्ष के लिए करो और मरो की स्थिति है। लगातार 2014 के बाद, फिर 2019 के बाद, फिर 2024 में यदि बाहर होते हैं तो इनके लिए ये बहुत कठिन दौर हो जाएगा और भाजपा के लिए उस पर हैट्रिक कर पाना। इस बात से मुझे लालू प्रसाद यादव की वो स्टेटमेंट याद आ गई जिन्होंने कहा कि ये चुनाव 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव जो है ये मरने का नहीं बल्कि जागने का चुनाव है, मतदान करना होगा। लेकिन सर जो वोट परसेंट गिर रहा है, जो वोट परसेंट गिर रहा है, उससे क्या लग रहा है आपको कि मतदान वाकई में पिछले बार जैसा प्रदर्शन दिखा पाएगा पक्ष सरकार के लिए बीजेपी की तरफ से? पर ये तो अभी 4-6 बजे तक का समय है और इतनी जल्दी इसका आकलन करना जरा वो है, लेकिन पीछे के जो 3 के हुए हैं वो मत प्रतिशत चिंताजनक है। ऐसे में न्यूज 18 लगातार सारे एनजीओ, सारी सरकारी संस्थाएं अपील कर रही हैं कि अच्छे राष्ट्र के लिए। बिल्कुल सर, न्यूज 18 तो यही अपील कर रहा है और साथ ही शाम तक तस्वीर कुछ हद तक स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। उमेश के पास में चलते हैं। उमेश बताइए क्या हलचल आपके आसपास? जी देखिए, लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां उत्कर्ष वर्मा उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां कालरा उम्मीदवार हैं। इन तस्वीरों को देखिए और इस राजनीतिक तापमान को महसूस कीजिए। इस वक्त हम निघासन में मौजूद हैं, ये लंबी लंबी कतारें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है और लखीमपुर खीरी के मौसम का मिजाज भी आज बदला हुआ है। रिमझिम फुहारे भी यहां पड़ रही हैं, बावजूद इसके यहां पर लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। मिस्टर टेनी भी यहीं पर अपना वोट कास्ट करेंगे, इसी पोलिंग सेंटर पर आएंगे। क्या कहेंगे आप, यहां मतदान करने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या है? विकास का है, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट होना चाहिए। और अजय मिश्र टेनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, कैसी फाइट यहां पर आप देख रहे हैं, कैसी लड़ाई है? ठीक है, क्या कहेंगे आप, कैसा मुकाबला चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहां पर दूर दूर तक लोग कतारबद्ध हैं, लंबी कतार यहां पर देखी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि लखीमपुर खीरी के क्या राजनीतिक समीकरण हैं और जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे यहां पर मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए लालायित है। मनोज, आप क्या कहेंगे, यहां के क्या राजनीतिक समीकरण है और कैसी फाइट आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी एक कृषि प्रधान जिला है, बड़ा जिला आता है, जिला है, यहाँ पर लोगों के अपने खास मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आनंद दुबे जी, एक बार फिर से मैं आप ही के पास में आऊंगी, कन्नौज सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं, क्योंकि एक जो लंबा कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी की ये सीट रही है, सपा का इसे गढ़ कहा जाता है, अब अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, डिंपल भी चुनाव हारी हैं और अखिलेश भी चुनाव हारे, वही साल तो हार हुई ना सपा की, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को किला और गढ़ कहा जाता था उनको भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। कहा जाता था रामपुर आजम का किला है, वो गिर गया, और आजमगढ़ को कहा जाता था सपा का गढ़ है, वो गिर गया। न आजम का किला बचा न सपा का गढ़ बचा। अमेठी कहा जाता था कि राहुल गांधी जी की विरासत है, छोड़ के भाग गए अमेठी, हिम्मत नहीं जुटा पाए स्मृति जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, तो माता जी को रिटायर करके और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किले और गढ़ की जो भी धारणाएं थी उत्तर प्रदेश में, उसको भाजपा ने तोड़ने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ। अशोक जी से भी जल्दी से इसके ऊपर एक रिएक्शन लेते हैं। अशोक जी, क्या लग रहा है आपको कन्नौज में सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव, क्या कहती है ये लड़ाई, किसके खाते में जाने वाली है सीट, आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं, बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम खराब हुई है बहराइच में, बूथ संख्या 213 की हम बात कर रहे हैं जहां पर ईवीएम खराबी की जानकारी मिल रही है। ईवीएम खराब होने से मतदान यहां पर भी रुका हुआ है,
तो ये दूसरी खबर अमनदीप आ रही है आज की, जहां पर ईवीएम खराबी की जानकारी मिल रही है। महाराज जी, किन मुद्दों को लेकर आपकी चुनाव हुआ है? चुनाव तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस महामंत्र के साथ, और जो धर्म लगा दे राष्ट्र पहले है, मोदी जी ने सारे विश्व जो सम्मान बढ़ाया है उसको जनता बहुत सम्मान से देख रही है। 500 साल का झगड़ा जो अयोध्या में समाप्त किया है, तो एक ही गाना चल रहा है जो राम होता है। आज चल रहा है और लगातार देखा जाए केजरीवाल जैसे बोला है कि अब प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे, योगी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। केजरीवाल की बुद्धि कुछ विकृत हो गई है, तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, उसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उनको। दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से साथ है, लड़के अपना काम कर महाराज जी। ये हमारे साथ उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जो यूपी के लड़के वो आपस में लड़ेंगे। वही केजरीवाल को कहा के लिए कहा कि 1 जून को वापस केजरीवाल जेल के अंदर चले जाएंगे जी। तो बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं, हरदोई में भी ईवीएम खराबी की जानकारी मिल रही है। अमनदीप देखिए, आज लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईवीएम खराबी आ रही है, लेकिन ये भी जानकारी दे देते हैं कि दुरुस्त भी कर लिया जा रहा है, परेशानियों को जल्दी से जल्दी सुलझा भी लिया जा रहा है। हरदोई से बड़ी खबर, जहां पर ईवीएम में खराबी हुई है और मतदान यहां पर जो रुका हुआ था, ईवीएम में खराबी के बाद बूथ संख्या 272 में वो मतदान अब शुरू अभी तक नहीं हो पाया है। तो बूथ नंबर 272 पर ईवीएम खराब हो गई है, और साथ ही आपको बता दें कि जहां जहां ईवीएम खराब हो रही है उसे ठीक भी किया जा रहा है, और होने मतदान एक बार फिर से दोबारा से शुरू भी हो गया। एक बार फिर से आनंद दुबे जी के पास में चलते हैं। आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिएगा, और साथ ही साक्षी महाराज का जिस तरह से रिएक्शन सामने आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं साक्षी महाराज ने तो जो कहना था कहा, मैं अशोक यादव जी को जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने एक सबसे बड़ा झूठ पहले तो ये बोला शंकराचार्य पर, सभी शंकराचार्यों ने चिट्ठी लिखकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया, राम मंदिर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद दिया, और वो पूरी तरह से साथ की बात है। पहले नाराजगी ही थी, चिट्ठी तब दी गई जब वहां पर कार्यक्रम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का होना था। सुन लीजिए, इसके अलावा वो लोग जो आज जो कहते थे कि हम पूजा नहीं करते हैं, वो अब मुहूर्त बताने लगे। जो लोग मंदिर नहीं गए वो आज उसके वास्तु पर सवाल उठाने लगे हैं। आज वो कह रहे हैं कि इसका वास्तु खराब है, ये बेकार मंदिर है। कोई कह रहा है इस मंदिर का हम शुद्धिकरण कराएंगे। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, साधु संन्यासियों पर गोलियां चलवाई, जिस सपा के शासनकाल में शंकराचार्य पर लाठियां चलवाई गई, आज वो शंकराचार्य की दुहाई दे रहे हैं, आज वो साधु संन्यासियों की दुहाई दे रहे हैं। सत्यता ये है कि राम मंदिर इन्हें पहले भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने राह में रोड़े रटकाने का काम किया, इन्होंने गोलियां चलवाने का काम किया। जिन कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा, उसको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। आप अपनी बात पूरी करिएगा सर, एक बहुत जरूरी जानकारी अपने दर्शकों को देनी है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज बारिश की वजह से जो है मतदान प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश की वजह से मतदान यहां पर प्रभावित हो रहा है, बूथ पर पहुंचने में वोटर्स को दिक्कत हो रही है। शाहजहांपुर में भी लगातार बारिश हो रही है, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज बारिश तूफान जिससे पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो मतदान हो नहीं पा रहा है ठीक ढंग से। एक तरफ चरचराती धूप है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश और तूफान है। दोनों ही तरफ आप कहिए कि मतदान जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लखीमपुर खीरी से, जहां पर मतदान जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है तेज तूफान बारिश की वजह से। और कानपुर देहात में ईवीएम खराब हो गई है, कल्याणपुर के बूथ नंबर 190 की ईवीएम खराब हो गई है। ईवीएम खराब होने से मतदान रुक गया है, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगह से ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है, हालांकि कुछ देर तक मतदान जरूर प्रभावित रहता है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द जो ईवीएम है उसको बदला जाए, या फिर जो खराबी उसमें सुधार किया जा सके, ताकि मतदान प्रभावित ना हो सके। बिल्कुल, और देखिए मतदान में अगर कहीं पोलिंग बूथ में किसी ईवीएम में दिक्कत भी आ रही है मंदी, तो उसको ठीक भी कर लिया जा रहा है।